ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी पहुंचने वाली क्रूज शिप में कोरोना के 800 केसेस सामने आने के बाद बड़े खतरे की घंटी बजा दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क्रूज शिप न्यूजीलैंड से रवाना हुआ था, जिसमें अमले और मुसाफरों समेत 4600 अफराद सवार थे। इतनी बड़ी तादाद में कोरोना केसेस सामने आने के बाद वजीर दाखिला ने हफ्ते को आवाम को यकीन दिलाने की कोशिश की कि शिप पर कोरोना प्रोटोकॉल मुनासिब थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रूज शिप पर 12 दिन के सफर के दौरान निसफ रास्ते में ही कोरोना केसेस की बड़ी तादाद का पता चलना शुरू हो गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। वास आ रहे कि 2020 में रोबी प्रिंस क्रूज शिप पर भी कोरोना फैल गया था, जहां कम से कम 900 अफराद में बीमारी की तस्दीक हुई थी और 28 अमवात हुई थी।